अगर कल को जाके ऐसी खबर आए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया HDFC बैंक को अक्वायर करने वाला है तो आप हैरान हो जाएंगे, है ना? और होना भी चाहिए, आखिर यहाँ हमारे देश के दो सबसे बड़े बैंक्स की बात हो रही है। कुछ ऐसा ही हो रहा है स्विट्जरलैंड में। स्विस इकोनॉमी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमीज में से एक मानी जाती है। ये देश ना सिर्फ अपने सुंदर लैंडस्केप्स और चॉकलेट्स के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के सॉलिड बैंकिंग सिस्टम, रॉबस्ट लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और स्ट्रॉन्ग करेंसी के लिए भी माना जाता है। पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स स्विट्जरलैंड को अपने पैसे रखने के लिए एक सेफ हेवन मानते हैं। लेकिन आज स्विट्जरलैंड और वहां के बैंक्स कुछ और रीजंस की वजह से चर्चा में हैं। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक UBS वहां के सेकंड लार्जेस्ट बैंक क्रेडिट स्विस को $3.25 बिलियन में खरीदने वाला है। अगर आप इसी न्यूज से शॉक्ड हैं तो रुकिए, ये पूरी डील क्रेडिट स्विस के फ्राइडे के क्लोजिंग शेयर प्राइस से 60% डिस्काउंट पर हो रही है, जो खुद अपने आप में ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस था। मुद्दा इतना बड़ा है कि इंडिया के बिलियनर बैंकर उदय कोटक ने भी चिंता जताई है। इस डील के बाद क्रेडिट स्विस के सारे शेयर होल्डर्स को उनके 22.48 शेयर्स के बदले UBS का 1 शेयर मिलेगा। वैसे एक बात और, क्या आपने येस बैंक के 81 बॉन्ड्स का किस्सा पढ़ा था? जिन इन्वेस्टर्स का येस बैंक के शेयर्स में लॉक इन अभी खत्म हुआ है वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे किस तरह से RBI ने येस बैंक के 81 बॉन्ड्स को परमानेंटली राइट ऑफ करने को बोल दिया था। ठीक इसी तरह से UBS द्वारा क्रेडिट स्विस के एक्विजिशन के चलते $17.24 बिलियन वर्थ ऑफ Tier 1 डेट को स्विस रेगुलेटर्स ने राइट ऑफ करने का डिसीजन अनाउंस कर दिया है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वेट करिए, इस वीडियो में ये पूरा केस हम डिटेल में समझाएंगे, हिस्ट्री से लेके लेटेस्ट अपडेट सब कुछ। तो आइए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। What we know now is Wall Street can bring down Main Street. And frankly, I'm going to tell you, it's a little scary. Your company is now bankrupt. Our economy is in a state of crisis. Did you mislead your investors? And I remind you, sir. 2008 global financial crisis के बाद political और financial leaders ने एकजुट होकर कई steps लिए, कई norms और regulations भी introduce हुए। ये सारे steps इसलिए लिए जा रहे थे ताकि फिर से global economy को इतना बड़ा crisis ना face करना पड़े। लेकिन साल है 2023 और हम हैं एक ऐसे फेज में जहां एक के बाद एक बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। दो अमेरिकन बैंक्स ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं और तीसरा बैंक कोलैप्स होने ही वाला था कि US के 11 बैंक्स ने मिलके $30 बिलियन रेस्क्यू पैकेज क्रिएट किया और उसे फेल होने से बचा लिया। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के सडन कोलैप्स के बाद पूरी दुनिया में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी पे सवाल उठने शुरू हो गए। लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बैलेंस शीट्स में छोटी से छोटी वीकनेस को भी अब मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं बल्कि टेलीस्कोप से देख रहे हैं, और ये टेलीस्कोप की रेंज सिर्फ US के बैंक्स तक नहीं, यूरोपियन और इवन इंडियन बैंक्स तक जाती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स कह ही रहे थे कि शायद अगला अलार्म बेल क्रेडिट स्विस बैंक से सुनाई दे सकता है, और यही हुआ। पिछले एक हफ्ते में एक के बाद एक कई डेवलपमेंट्स हुए और क्रेडिट स्विस क्राइसिस अनफोल्ड होता चला गया। वैसे इस पूरे क्राइसिस को लेके ट्विटर पे लोग क्रेडिट स्विस को काफी रोस्ट कर रहे हैं। याद कीजिए जब क्रेडिट स्विस के प्राइवेट बैंकिंग आर्म ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप कंपनीज के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था, इसलिए ट्विटराटी क्रेडिट स्विस की इस अनफॉर्चुनेट परिस्थिति को कर्मा कह रहे हैं। एनीवे, मुद्दे पे वापस आते हैं। क्रेडिट स्विस की प्रॉब्लम्स एक या दो हफ्ते पुराने नहीं हैं। हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में भी क्रेडिट स्विस और डोइचे बैंक के नाजुक हालात को डिटेल में कवर किया था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि क्रेडिट स्विस की पास्ट और रीसेंट इश्यूज क्या हैं, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्रेडिट स्विस का कोलैप्स होना क्यों ग्लोबल इकोनॉमी के लिए हानिकारक हो सकता था। क्रेडिट स्विस एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है और यह स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है।
ग्लोबल लेवल पे ये 29 में से एक बैंक्स में इंक्लूडेड है जिन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करने वाली इंटरनेशनल बॉडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि SIFI कंसिडर किया जाता है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका फेलियर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए इन बैंक्स को फेलियर से प्रोटेक्ट करना या फिर फेलियर के केस में एटलीस्ट उसके इफेक्ट्स को लिमिट करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है, तभी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को टू बिग टू फेल भी माना जाता है। हाँ, ये बात और है कि बेयर स्टर्न्स और लेमन ब्रदर्स भी टू बिग टू फेल की कैटेगरीज में आते थे। एनीवेज, आप बात की जिस्ट को समझ गए ना। अगर क्रेडिट स्विस जैसा बैंकिंग जायंट कोलैप्स हो जाता है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी अफेक्ट होगी, इसलिए तो स्विस गवर्नमेंट ने इस मुद्दे की क्रिटिकलिटी को समझा, एक्ट किया और UBS द्वारा क्रेडिट स्विस का एक्विजिशन पूरा करवाया। तो चलिए अब क्रेडिट स्विस की प्रॉब्लम को डिटेल में समझते हैं। क्रेडिट स्विस की प्रॉब्लम्स पिछले कई सालों से इन द मेकिंग है। क्वार्टर फोर में मैसिव 1.4 बिलियन स्विस फ्रैंक्स के लॉस के साथ बैंक ने 2022 में 7.3 बिलियन स्विस फ्रैंक्स का नेट लॉस पोस्ट किया है। क्रेडिट स्विस एक मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के बीच है और उनका कहना है कि 2023 भी उनके लिए डिफिकल्ट ही होगा। अक्टूबर 2022 के क्राइसिस के बाद बैंक इन्वेस्टर्स के प्रेशर में था, इसी प्रेशर के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए वो अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई और रीस्ट्रक्चर करेंगे और इस स्ट्रैटेजी के तहत बैंक ने नवंबर 2022 में $4.2 बिलियन का कैपिटल रेज किया। इस फंड रेज के बाद 9.9% स्टेक के साथ सऊदी नेशनल बैंक क्रेडिट स्विस में सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया, लेकिन बैंक की लिक्विडिटी क्राइसिस इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। बैंक में इन्वेस्टर्स और पब्लिक का कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया है कि बैंक के आउटफ्लोज बढ़ते जा रहे हैं और डिपॉजिट्स कम होते जा रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर में ही बैंक के नेट आउटफ्लोज का नंबर 110.5 बिलियन स्विस फ्रैंक्स हिट कर गया था। कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे 2022 में क्रेडिट स्विस में 123 बिलियन स्विस फ्रैंक्स का आउटफ्लो हुआ है, जबकि 2021 में उन्होंने 30.9 बिलियन के नेट इनफ्लोज रिकॉर्ड किए थे। इन्हीं रीजंस की वजह से लास्ट एक साल में क्रेडिट स्विस का स्टॉक 75% से नीचे गिरा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रेडिट स्विस पर से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्यों डगमगाया, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में बैंक कई गलत रीजंस की वजह से न्यूज में रहा है। फॉर एग्जांपल, इन पांच इश्यूज की ही बात कर लेते हैं। पहला, बैंक करेंटली बुल्गारिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्रिमिनल कन्विक्शन फेस कर रहा है। एलिजेटली वो ड्रग डीलर्स को पैसे लॉन्डर करने में इन्वॉल्व थे। सेकेंडली, बैंक मोजम्बीक में भी एक करप्शन केस में फंसा हुआ है। तीसरा, ये हमने क्रेडिट स्विस पे हमारे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, बैंक अपने एग्जीक्यूटिव पे स्पाई करने के स्कैंडल में भी इन्वॉल्व थी। फोर्थली, उसी वीडियो में हमने आपको क्रेडिट स्विस के डिसग्रेस फाइनेंसर आर्केगो कैपिटल के साथ डीलिंग्स के बारे में भी बताया था। और लास्टली, बैंक डेटा लीक कंट्रोवर्सी में भी उलझा हुआ है। ये सारे इश्यूज तो पहले से थे ही, बस हुआ ये कि US में हुए दो बैंक कोलैप्सेस ने डोमिनोज को मोशन सेट कर दिया और ग्लोबली बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ पे टाइट स्क्रूटनी होने लग गई। इन इवेंट्स के कुछ दिन बाद ही, यानी कि आज से कुछ 6 या 7 दिन पहले, क्रेडिट स्विस ने खुद ही एडमिट किया कि उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मटेरियल वीकनेसेस थी, यानी कि बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज थी। आप खुद ही सोचिए, अगर एक बैंक, वो भी इस दर्जे का, खुद ही कहता है कि हमारी रिपोर्टिंग में कमियां थी, तो मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा। होना क्या था, क्रेडिट स्विस के ऊपर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉ सूट फाइल हुआ, जहां उन पे एलिगेशन लगाया गया है कि उन्होंने अपने 2021 के एनुअल रिपोर्ट में मटेरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। US में जब भी किसी कंपनी द्वारा स्टॉक मैनिपुलेशन या उनके स्टेट लॉस को ब्रीच करने के कारण इन्वेस्टर्स को कोई भी इकोनॉमिक लॉस होता है, तो वो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन या सिक्योरिटीज फ्रॉड क्लास एक्शन लॉसूट फाइल कर सकते हैं। और इसी के एक दो दिन पहले ही ये खबर आई थी कि क्रेडिट स्विस के सबसे बड़े इन्वेस्टर सऊदी नेशनल बैंक ने रेगुलेटरी इश्यूज को साइट करते हुए क्रेडिट स्विस में फर्दर इन्वेस्टमेंट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब बैंक
की लिक्विडिटी से जुड़े कंसर्न्स तो सबको पता ही थे। ऐसे में सऊदी नेशनल बैंक द्वारा फर्दर इन्वेस्टमेंट पे डिनायल आने के तुरंत बाद क्रेडिट स्विस के सीईओ को बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे अश्योरेंस देने के लिए बाहर आना पड़ा और इस पॉइंट पे क्रेडिट स्विस के ट्रबल्स एक फुल ब्लोन क्राइसिस में कन्वर्ट हो चुके थे। क्रेडिट स्विस के शेयर्स वेंसडे को 31% से क्रैश होके अपने ऑल टाइम लो पे पहुंच गए थे, जिसके बाद उनकी ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी गई थी। इवन यूरोपियन मार्केट्स भी डीप रेड में क्लोज हुए। यूरोपियन इंडेक्स 3% से डिक्लाइन हुआ और वहां का बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स भी 7.1% से डाउन था। क्रेडिट स्विस का स्टॉक प्राइस लास्ट वन वीक में 26.1% से और लास्ट वन मंथ में 32.85% से गिर चुका है। सिर्फ शेयर्स ही नहीं, उनके बॉन्ड्स के प्राइसेस भी शार्पली ड्रॉप होने लग गए। इस न्यूज को सुनते ही बैंक्स और इन्वेस्टर्स ने क्रेडिट स्विस के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स को बाय करना शुरू कर दिया। बाइंग इंटेंसिटी इतनी थी कि बैंक के डिफॉल्ट स्वॉप्स अपने हाईएस्ट लेवल्स तक क्लाइम कर गए। सिंपल टर्म्स में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप एक टाइप का इंश्योरेंस है जो किसी पार्टी को अपने बोरोअर्स के पेमेंट डिफॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप लेंडर्स के लिए एक इंश्योरेंस की तरह होता है, ताकि डिफॉल्ट के केस में उनको हैवी लॉसेस ना हो। और जो पार्टी इस प्रोटेक्शन को परचेज करती है उसे रेगुलर प्रीमियम और कॉस्ट पे करना पड़ता है, जस्ट लाइक इंश्योरेंस। और जब CDS के प्रीमियम्स इंक्रीज होने लग जाते हैं तो ये माना जाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस कंपनी के डिफॉल्ट होने पे बेट कर रहे हैं, यानी कि उस कंपनी के डिफॉल्ट करने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और इसका स्पिल ओवर इंपैक्ट बाकी मार्केट्स में भी हुआ, स्पेशली ग्लोबल बैंक्स के स्टॉक्स में। इमीडिएटली आफ्टर द शेयर्स ऑफ द क्रेडिट स्विस टंबल्ड, स्टॉक्स इन मेनी यूरोपियन एंड अमेरिकन बैंक्स हैव आल्सो प्लंज्ड एज कस्टमर्स हैव स्टार्टेड टू पुल देयर मनी आउट। And it's obvious that is what they would do. The numbers will tell you the story. First Republic Bank has sunk by 7.7%. Huntington Bank shares have gone down by 5.7%. JP Morgan is down by about 5.5%. If we speak about the markets, Dow Jones Industrial Average has fallen by about 1.5% and Nasdaq has also fallen by about 1.2%. Of course, Indian markets bhi in development se insulated kaise reh pate? SVB ke collapse ke 5 straight trading sessions mein Nifty 50 mein 4.4% ka correction hua. और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 8th of March 2023 जब SVB की न्यूज आई थी, तब से लेके अब तक ये इंडेक्स एक फ्री फॉल में रहा है। क्रेडिट स्विस की प्रॉब्लम से वाकिफ पिछले कुछ समय से US बेस्ड और बाकी यूरोपियन बैंक्स इस स्विस लेंडर से अपने एक्सपोजर को कम करने के लिए कई स्टेप्स ले रहे हैं। और लास्ट वीक के डेवलपमेंट्स के बाद फ्रांस के सबसे बड़े बैंक BNP Paribas ने एक स्टेप आगे जाके अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया है कि वो उन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टेप इन नहीं करेंगे जिसमें क्रेडिट स्विस एक काउंटर पार्टी है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच हर एक घंटा क्रेडिट स्विस के लिए एक नेगेटिव न्यूज लेके आ रहा था, और इसलिए क्रेडिट स्विस और स्विस अथॉरिटीज जुट गए एक पोटेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को होने से रोकने में। क्रेडिट स्विस ने स्विस नेशनल बैंक से $54 बिलियन यानी कि 50 बिलियन स्विस फ्रैंक्स का लोन लिया, ताकि वो सफिशिएंट एसेट्स मेंटेन कर सकें और एसेट लायबिलिटी मिसमैच का केस रूल आउट हो जाए। ऊपर से बैंक रन के सिनेरियो से भी प्रोटेक्टेड रहने के लिए उन्हें इनफ कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत थी। बैंक रन उस सिचुएशन को कहा जाता है जब किसी बैंक के फेल होने के डर से उसके सारे या मेजॉरिटी कस्टमर्स अपने डिपॉजिट्स एक साथ विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट स्विस ने कहा कि वो 3 बिलियन स्विस फ्रैंक्स वर्थ के अपने डेट का बायबैक करेंगे। अब बॉन्ड्स बायबैक सुन के आप कंफ्यूज मत होइए, काफी सिंपल है। बॉन्ड बायबैक का मतलब है सिंपली अपना डेट जल्दी रीपे करना, मतलब बोरोअर खुद ही लेंडर के पास से मे बी थोड़े डिस्काउंट पर अपना डेट खरीद लेता है, यानी कि एक तरह से एक्सेस कैश की मदद से अपने बॉन्ड्स को रीपे करने को ही बॉन्ड बायबैक कहते हैं। लेकिन क्या ये सारे मूव्स इतने बड़े बैंक को बचाने के लिए इनफ हैं? बिल्कुल नहीं। और इसलिए जेपी मॉर्गन ने वेंसडे को हुए मैसिव स्टॉक करेक्शन के बाद सजेस्ट किया था कि क्रेडिट स्विस का किसी स्ट्रॉन्ग लेंडर जैसे कि UBS बैंक, जो कि उनके देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसके साथ फोर्स मर्जर होना चाहिए। UBS ना सिर्फ स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी बैंक है, बल्कि दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मानी जाती है।
वैसे आपको बता दूं कि इनिशियली यूबीएस ग्रुप ने इस प्रपोजल को स्ट्रांगली डाउनप्ले कर दिया था। तो जाहिर सी बात है यूबीएस पर इस पूरे टर्मोइल को शांत करने के लिए स्विस अथॉरिटीज दबाव बनाने लग गए। इनफैक्ट स्विस गवर्नमेंट इस डील में इन्वॉल्व रिस्क के अगेंस्ट गारंटी देने को भी तैयार थी। और फाइनली आज अर्ली मॉर्निंग लेटेस्ट डेवलपमेंट यही आई कि स्विस गवर्नमेंट ने यूबीएस और क्रेडिट स्विस के बीच डील को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो यूबीएस $3.25 बिलियन में क्रेडिट स्विस का एक्विजिशन पूरा करेगा। इस डील के लिए स्विस गवर्नमेंट 100 बिलियन फ्रांक्स की एड और क्रेडिट सपोर्ट दे रही है। यूबीएस ऑफिशियल्स ने कहा कि वो आने वाले महीनों में क्रेडिट स्विस के कुछ पार्ट सेल ऑफ कर सकते हैं और बैंक का साइज रिड्यूस करना चाहते हैं। हालांकि इस डील के बावजूद मार्केट में इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स काम डाउन नहीं हुए हैं। आज यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते ही यूबीएस के शेयर्स 14% से और क्रेडिट स्विस का स्टॉक 63% से गिर गया। अब ऑब्वियस है आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब इंडियन मार्केट्स का क्या होगा, राइट? वेल, रिलीफ की बात ये है कि इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्रेडिट स्विस से काफ़ी कम एक्सपोजर है। क्रेडिट स्विस के पास इंडिया के टोटल बैंकिंग सिस्टम के सिर्फ 0.1% करेंटली ऑपरेशन में है और इसलिए वो इंडिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट नज़र नहीं आ रहे हैं। RBI भी क्रेडिट स्विस से जुड़ी डिवेलपमेंट्स को क्लोजली फॉलो कर रहा है और साथ ही इंडियन बैंक्स की लिक्विडिटी एडिक्वेसी को भी वेरीफाई कर रहा है। इनफैक्ट RBI इंडियन बैंक्स के बिजनेस मॉडल और बैलेंस शीट को क्लोजली एनालाइज कर रहा है ताकि बैंक्स को पहले से ही वार्न किया जा सके। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के CEO नीलेश शाह का मानना है कि इंडिया के स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और लिक्विडिटी नॉर्म्स की वजह से SVB या क्रेडिट स्विस जैसी सिचुएशंस पैदा होना अनलाइकली हैं। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी क्लोजली इंटरट्वाइंड है और इंडियन मार्केट्स कंप्लीटली इंसुलेटेड तो नहीं रह सकते। अगर US और यूरोप में चल रहा ये बैंकिंग क्राइसिस फर्दर कोई और मोड़ लेता है तो रिसेशनरी फियर्स बढ़ने लग जाएंगे। ऐसे में इंडियन IT बिजनेसेस पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि एक तो US और यूरोप इंडियन IT कंपनीज के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट हैं और दूसरा ये कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इंडियन IT कंपनीज के रेवेन्यू बुक्स का मेजर चंक अकाउंट करती है, यानी कि फॉरेन बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज इंडियन IT कंपनीज के मेजर कस्टमर्स हैं। प्लस JP Morgan के एनालिस्ट का मानना है कि इंडियन टेक कंपनीज में से TCS और इन्फोसिस का क्राइसिस लेटिन अमेरिकन रीजनल बैंक्स में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। वैसे एक बार इंडिया से नजर हटा के एक बार फिर US की ओर देखें तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है। इंटरेस्टिंगली द ओरेकल ऑफ ओमाहा वॉरेन बफेट भी अब मैदान में आ उतरे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और सिल्वर गेट कैपिटल कॉर्प के कोलैप्स के बाद बर्कशायर हैथवे के CEO वॉरेन बफेट रिपोर्टेडली US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के टच में हैं। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा लेकिन बफेट ने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन और 2011 में भी बैंक ऑफ अमेरिका में $5 बिलियन इन्वेस्ट करके उनकी लिक्विडिटी पोजिशन को स्ट्रेंथन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यही नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस किया था कि एसेट्स बाय करने से बैंक में कैपिटल इंजेक्ट करना इकोनॉमी के लिए बेटर ऑप्शन होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जब आप 15 इयर्स ऑफ क्लोज टू जीरो इंटरेस्ट रेट्स को सडनली इंक्रीज करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक होगा ही और पास्ट 2 वीक्स के डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं इस रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स कितना सीखे हैं उस पर आज क्वेश्चन मार्क्स लगाए जा रहे हैं। और क्यों नहीं, जब भी कोई फाइनेंशियल डेंजर या क्राइसिस आता है तो सेंट्रल बैंक्स की एम्बुलेंस उन्हें टाइम पे बचा लेती है। यकीन नहीं आ रहा? वेल, US के फेडरल रिजर्व बैंक ने डॉलर प्रिंट करने की मशीन को ऑन कर लिया है। जी हाँ, लिक्विडिटी इज बैक। पिछले एक हफ्ते में US के सेंट्रल बैंक ने बैंक्स को बेल करने के लिए $300 बिलियन प्रिंट किए हैं और इसी के साथ उनकी इन्फ्लेशन के खिलाफ की लड़ाई और भी कमजोर पड़ गई है। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि फेड अपनी अगली मीटिंग में 25 BPS के रेट हाइक के साथ अपनी टाइटनिंग पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा। क्या US का फाइनेंशियल सिस्टम एक कैसीनो इकोनॉमी है? इसी सवाल के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। स्टॉक मार्केट, इकॉनमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.